किस दवाई की कितनी कीमत कुछ मालूम नहीं। अदवायात की सुबह शाम बढ़ती कीमतों से मरीज लाइल हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी 90,000 अदवायात का रिकॉर्ड हासिल करने में ताहाल नाकाम, जबकि शहर में हजारों अदवायात की बगैर रजिस्ट्रेशन के फरोख धड़ल्ले से जारी है। मजीद अपडेट्स लेंगे सैयद सजाद काजमी से। सजाद काजमी, बताइएगा, धड़ल्ले से फरोख तो जारी है, रजिस्ट्रेशन का कहीं भी मामला नजर नहीं आ रहा? मार्केट में फ्रोक तो 2012 में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के क्याम को 6 साल का अर्सा गुजर चुका है, मगर इसके बावजूद कंपनी रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कर वेबसाइट पर नहीं दे सके हैं और बकायदा वेबसाइट पर ऐलान लिखने के अलावा अपने ड्रग इंस्पेक्टर को 3 जनवरी 2017 को ड्रैप लेटर लिखकर कह चुकी है कि अद्वियात की मौजूदा कीमतें, रजिस्ट्रेशन और दीगर रिकॉर्ड हमें फराहम किया जाए। जराय का कहना है कि ऐसी सूरत हाल तब पैदा होती है जब तमाम रिकॉर्ड या तो जल चुका होता है या जानबूझकर जाया कर दिया जाता है, ताकि फार्मास्यूटिकल अदारे अपनी मर्जी के रेट ड्रैप को बताकर अद्वियात की कीमतों में मनमानी मर्जी कर सकें। अगर किसी मरीज ने कोई दवाई खरीदी हो तो वो अद्वियात की कीमतों को चेक करने के लिए किसी महकमा या वेबसाइट का सहारा लेने से कासर होगा, यहाँ तक के मेडिकल स्टोर पर जाने वाले ड्रग इंस्पेक्टर व दीगर ऑफिसर्स के पास भी ड्रैप की जानब से कीमतों का किसी किस्म का डाटा फराहम ही नहीं किया गया है, जिससे मार्केट में महंगी फरोख्त होने वाली अद्वियात की कीमतों का तयन करके ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद काजमी।